छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं से बागेश्वर धाम नहीं आने की अपील की है। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अपने जन्मदिन के मौके पर 4 जुलाई को श्रद्धालुओं से बागेश्वर धाम नहीं आने की अपील की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन 4 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बागेश्वर धाम छतरपुर में उमड़ती है। ऐसे में हाथरस में हुए हादसे को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने धाम में भीड़ एकत्रित नहीं होने और श्रद्धालुओं से वृक्षारोपण कर ईश्वर की भक्ति करने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धाम आने की बात कही है। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 1 तारीख से ही जन समुदाय बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। इधर छतरपुर प्रशासन भी उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के बाद चौकस हो गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म उत्सव कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने दूसरे जिलों से बल बुलाकर अभी से बागेश्वर धाम में सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए लगा दिया है। SP के अनुसार कल होने वाले कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, इसके लिए 250 से अधिक पुलिस कर्मियों को धाम की व्यवस्था में लगाया गया है। एडिशनल SP ने धाम पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं जिला प्रशासन का अमला भी अपनी ओर से पूरी व्यवस्था में लगा है। बागेश्वर धाम में जो कार्यक्रम है उसको लेकर के हमारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू हैं। एडिशनल SP साहब और हमारी पूरी टीम पहले से ही पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के आई हैं और उसी हिसाब से सबकी ड्यूटीज़ और व्यवस्थाएँ लगाई हैं। PHQ के माध्यम से हमको रीवा और सागर का फोर्स ऑलरेडी मिल चुका है, जो कल से ही वहाँ पर तैनात है। काफ़ी विस्तृत कार्यक्रम है और जिला प्रशासन पूरे चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। पुलिस प्रशासन वहाँ लगातार राउंड ले रही है और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी वहाँ राउंड ले रहे हैं और सभी प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई है। पुलिस व्यवस्था पर्याप्त की जा रही है, सफाई के लिए व्यवस्था की जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी MPEB को भी निर्देशित किया गया है और सभी विभिन्न विभाग जिनके हिस्सेदारी वहाँ है, जिनका कार्यक्रम जो जिनकी ज़रूरत है, सभी विभागों को एक्टिवेट कर दिया गया और वहाँ जो है अपने अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।